जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम परमार आपके अपने YouTube चैनल गारंटी सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए आज 5 जून का फर्स्ट शिफ्ट वन रक्षक क्षेत्र रक्षक जो कि जल प्रहरी की एग्जाम्स चल रही है, तो आइए उसका एनालिसिस जानने के लिए हम आ चुके हैं। तो आइए कुछ स्टूडेंट हमारे पास हैं, आइए जानते हैं कि किस तरह से पेपर आया था, किस लेवल से आया था और किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आइए जानते हैं भैया से किस तरह से क्वेश्चंस आए थे। क्या नाम है आपका? अभिषेक सैन। कितने क्या स्कोर रहा आपका? मेरा 56। 56। तो मतलब किस तरह से पेपर आया था आप हमें बताएंगे? मॉडरेट था, मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। ये है कि जिसने मैथ में कैलकुलेशन अच्छी है उसकी, मतलब मैथ में बेसिक से नहीं, कैलकुलेशन जिसकी अच्छी है उसका थोड़ा रह सकता है। बाकी हर क्षेत्र में मेहनत करने की ज़रूरत है। जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में क्या है कि वोकैब है 3 से 4 नंबर की। बाकी बेसिक ग्रामर है, PQRS आ रहे हैं, लगभग 4 PQRS थे। और हिंदी बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। और बाकी जो करंट, मतलब GS है, GS में करंट का पार्ट ज़्यादा है। साइंस की अगर बात करें तो साइंस में भी ऐसा नहीं है कि पूरा बायो भर दिया, पूरा इंग्लिश फिजिक्स भर दिया। केमिस्ट्री से क्वेश्चन एक क्वेश्चन था, बाकी फिजिक्स और उससे थे बायोलॉजी से। अगर हम GK की बात करें करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स अपना 2022 से या 23 से पूछा जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, करंट अफेयर 2019 तक का भी है इसमें। और इसमें सबसे ज़्यादा पार्ट रहा है इकोनॉमिक्स वाले पार्ट का, तो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट ज़्यादा रहा है। बाकी और तो सब मॉडरेट था, करंट पे थोड़ा अच्छी पकड़ होना जरूरी। अगर मैथ्स की हम टॉपिक वाइज बात करें तो किस किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे? एक क्वेश्चन था SI से, जिसमें CI SI एक साथ पूछे थे। और बाकी एक 3 से 4 क्वेश्चन परसेंटेज से थे। और एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से था, एक नाव और धारा से था। हाँ, बाकी बस सेम ऐसे कुछ। और एडवांस मैथ से कुछ के वाले एक क्वेश्चन था, एडवांस शंकु का क्वेश्चन था, उसमें आयतन पूछा था उसका, आयतन और उसकी। ठीक है, धन्यवाद सर आपका। तो जैसा कि हमने देखा कि किस तरह से पेपर आया था भैया ने बताया, आइए एक स्टूडेंट से और जानते हैं हम कि किस तरह से पेपर आया था। क्या नाम है सर आपका? किशोर हाड़ा। कहाँ से आए हैं आप? मैं उज्जैन से हूँ। क्या स्कोर रहा आपका? 69। तो किस तरह से पेपर आया था, किस लेवल से पेपर आया था, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप हमें? बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं था पेपर अभी पर, जैसे व्यापम का पहले जो ट्रेंड था वो थोड़ा बदला है अभी। अभी ESB ने थोड़ा ट्रेंड बदला है। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि मैथ्स में कुछ 2 से 3 क्वेश्चन गलत डाल रहे हैं। जैसे कि आपके 3 नंबर तो वहीं से आप सोच के आते हो कि मैथ्स में अच्छा स्कोर कर लेंगे, तो 3 नंबर तो आपके वहीं से बिगड़ जाते हैं। और अब मैं आपको बताऊं, सबसे पहले 20-20 नंबर का पोर्शन चल रहा है, उसमें पहले GK आ रहा है। तो GK में जियोग्राफी से भी है, हिस्ट्री से भी है, पॉलिटी से भी है, करंट से भी है, सबके दो दो तीन तीन क्वेश्चन है। जैसे जियोग्राफी से आप ले लो कि सिंधु नदी जो है कहाँ से भारत में एंट्री करती है, इस टाइप से। और करंट अफेयर से था, नासा का कोई एक अध्यक्ष कुछ बना है अपने भारत का, तो वो था। और ऐसे पॉलिटी में भी एक आर्टिकल से क्वेश्चन था। और इंग्लिश में ले लो तो पैरा जंबल्स थे 3-4, उसके बाद में नरेशंस, उसके बाद में एक्टिव पैसिव थे 3-4, उसके बाद में वही एंटोनिम सिनोनिम सीडियम फ्रेजेस, इस टाइप से क्वेश्चन थे। उसके बाद में आप मैथ्स में चलो तो हर टॉपिक से क्वेश्चन, एक एक हर टॉपिक से क्वेश्चन था। बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, लैंग्वेज इजीली समझ में आ रही थी, बस थोड़ा कैलकुलेटिव था। और उसके बाद में आप साइंस से ले लो तो साइंस नॉर्मली था, अगर लूसेंट भी पढ़ रखी है तो साइंस बन जाएगा इजीली। और उसके बाद में एक और सब्जेक्ट बचा अपना हिंदी, सबसे सरल मेरे को लगा तो आज हिंदी, जबकि मेरे को हिंदी में बहुत दिक्कत आती थी, लेकिन हिंदी बहुत ईजी पूछा आज। जो पर्यायवाची और विलोम पूछे वो भी मेरे को पता थे, वही आ गए थे। बस यही पेपर था बाकी तो। ठीक है, धन्यवाद किशोर भैया, आशा है आप उत्तीर्ण हो। और जैसा कि हमें किशोर भैया ने बताया कि पेपर किस तरह से किस लेवल से आया था, तो आइए एक स्टूडेंट से और जानते हैं हम कि किस तरह से उनका पेपर रहा और किस तरह से पेपर आया था। क्या नाम है आपका? गोपाल प्रजापति। किस तरह से पेपर आया था और क्या स्कोर रहा पेपर आपका? स्कोर तो 52 है, लेकिन पेपर मॉडरेट ही था। और मैथ्स बिल्कुल सरल था, अच्छा था मैथ्स, साइंस भी अच्छा था, GK वो थोड़ा लेवल था GK का। हाँ, और हिंदी भी थोड़ा देखने के लिए मिला है मॉडरेट। हिंदी बन पा रही है? हाँ, बन तो पा रही है, उसमें मुहावरे लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, विलोम तो 2-4 देखने को मिले। इंग्लिश में है, जो इंग्लिश में जो पैरा जंबल आज 2-3 ही मिले देखने को, पैरा जंबल। हाँ, और एक्टिव वैसे मिले 2-3। अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में आपको किस तरह से? मैं परसेंटेज जो सब्जेक्ट है ना उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, और एक नावधारा से पूछा था उसने, और एक ट्रेन से पूछा था।
लगभग ही 3-4 टॉपिक से ज़्यादा पूछ रहा है। अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस किस तरह से आया था और कैसे क्वेश्चंस आए थे? साइंस में लगभग नॉर्मली थे सारा, क्वेश्चन तो पता नहीं मेरे को, पर अच्छे थे क्वेश्चन। बन जाएगी साइंस। ठीक है, धन्यवाद आपका। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एग्ज़ाम्स चल रही है, जैसा कि स्टूडेंट ने हमें बताया कि किस तरह से पेपर आया था, किस लेवल से पेपर आया था, तो हमने देखा कि पेपर बता रहे हैं ईजी आया था, कुछ मैथ्स में कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आए थे। तो मैं शुभम परमार, आपके अपने YouTube चैनल गारंटी सक्सेस, जो कि हर क्षेत्र में तैयारी करवाता है, ऑल कॉम्पिटिटिव वगैरह, आपको इंडियन एयरफोर्स, नेवी और MPSI, MP कॉन्स्टेबल, तो आप हमारे MPPSC, UPSC जिसकी आपको तैयारी करना है, आप हमारे YouTube चैनल या फिर इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं तैयारी करने के लिए। तो मैं शुभम परमार, आप धन्यवाद।